गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 12 पावर एंड एक्सपोनेंट। प्रीवियस ईयर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी हम एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज 2 में पहुंचे हैं। तो मैंने आपको कुछ बेसिक रूल्स बताए थे कि जब बेस सेम होता है तो पावर का होता है प्लस, और बेस अगर अलग होता है तो बेस अगर सेम होता है और बीच में रिलेशन क्या होता है मल्टीप्लाई का, तो होता है उनके पावर का प्लस, और बेस सेम होता है और दोनों के बीच में डिवीजन का रिलेशन होता है तो क्या होता है उनकी पावर का माइनस होता है। ओके, तो हमने ये सम किया था, फिफ्थ नंबर का सम हमने किया था। तो ये सब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर हमें दोनों पावर माइनस में दी गई है। ओके, 2 raise to -3 मल्टीप्लाई -7 raise to -3। अब ये माइनस इंटीजर को रिमूव करने के लिए, माइनस इंटीजर मतलब माइनस की साइन को रिमूव करने के लिए हमें उसको 1/2 करके लिखना पड़ेगा, मतलब कि वो अभी न्यूमरेटर में है तो हमें उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों ही माइनस में, तो हमने सब पूरा ही स्टेटमेंट नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया, 1/2 raise to 3 मल्टीप्लाई -7 raise to 3 इज इक्वल टू। अब ये दोनों का देखो बेस अलग अलग है तो हमारे को रूल्स काम नहीं आएंगे। ओके, पर उनकी पावर सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 7 जा 14 raise to 3, और यहाँ माइनस है उसकी पावर और नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। अगर यहाँ पर उसकी पावर इवन नंबर होती तो ये माइनस रिमूव हो जाता। ओके, पर यहाँ पर -7 raise to 3 है तो आंसर माइनस में ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/-14 raise to 3। अब हम नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट नंबर है, अब यहाँ एक्सरसाइज 2 हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, -1 × -1 × 2। ओके, देखो यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा क्वेश्चन है 3 raise to 0 + 4 raise to -1 ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई 2 raise to 2। ओके, तो सबसे पहले हम अंदर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 raise to 0 कोई भी नंबर की 0 पावर क्या आंसर आता है 1, प्लस 4 raise to -1 माइनस रिमूव करने के लिए उसे हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1/4 raise to 1 4 raise to 1 मतलब 4 ही। ओके, किसी की भी अगर 1 पावर है तो उसकी वैल्यू वही की वही रहती है, मल्टीप्लाई 2 raise to 2। अब यहाँ हमें 1 पावर लिखूँ या ना लिखूँ उससे कोई उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ओके, अब हम यहाँ इसका सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट का, तो यहाँ पर 4 ऐसे ही लेंगे तो 4 यहाँ जाएगा तो 4 × 1 / 4 × 2 raise to 2 मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 × 2 का आंसर 4। ओके, अब सिंप्लीफाई करते जाएंगे, 4 + 1 = 5 / 4 × 4 4 कट हो गए तो आंसर आता है 5, अवर आंसर इज 5। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक्सरसाइज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1, 3 raise to 0 + 4 raise to -1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर।
अब किसी की भी जीरो पावर, कोई भी नंबर की जीरो पावर मतलब वन होता है, तो वन प्लस यहाँ पर क्या है फोर एस टू माइनस वन, तो ये माइनस रिमूव करने के लिए उसको हम डिनोमिनेटर में रख देंगे, वन बाय फोर ब्रैकेट ओवर मल्टीप्लाई टू स्क्वायर। अब हम यहाँ प्लस है तो ये फोर एलसीएम लेकर फोर वन जा फोर प्लस वन अपॉन फोर सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई टू का स्क्वायर दैट मीन्स फोर, सो फाइव बाय फोर मल्टीप्लाई फोर, फोर फोर कट हो गया तो हमारा आंसर आता है फाइव। ओके अवर आंसर इज फाइव, बहुत इजी और इंटरेस्टिंग सम्स है। नाउ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है टू रेज टू माइनस वन मल्टीप्लाई बाय फोर सेकंड नंबर टू रेज टू माइनस वन मल्टीप्लाई फोर रेज टू माइनस वन डिवाइडेड बाय टू रेज टू माइनस टू। ओके सबकी पावर नेगेटिव फॉर्म में है तो सबको हम कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम सबको, तो वन बाय टू मल्टीप्लाई वन बाय फोर डिवाइडेड वन अपॉन टू रेस टू टू। ओके अब हम सिंप्लीफाई करते पहले, या तो पहले हम वो सिंपल रूल अप्लाई कर लेते हैं, इस तरह से भी क्लियर दोनों तरह से आंसर आ जाएगा। देखो वन बाय टू मल्टीप्लाई वन बाय फोर डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू रेस टू टू। ओके हमने पहले सबके जो माइनस पावर है नेगेटिव पावर है वो रिमूव कर दी, तो नेगेटिव पावर रिमूव करने के लिए हमें उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है, तो हमने लिखा वन अपॉन टू, मैंने सबके ऊपर वन रेस टू नहीं लगाई क्योंकि वो अंडर स्कोर है, किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो वन पावर होती ही है, तो यहाँ टू रेस टू वन फोर रेस टू वन अंडर स्कोर है, लिखे या ना लिखे उसकी पावर वन ही गिनी जाती है। डिवाइडेड बाय टू रेस टू माइनस टू को हमने माइनस रिमूव करने के लिए क्या किया वन अपॉन टू रेस टू टू। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओके वन अपॉन टू फोर जा एट। अब ये डिवीजन एक स्टेप और ले लेते हैं, टू टू का स्क्वायर होता है फोर। ओके अब वन अपॉन एट डिवीजन में हम कटिंग नहीं कर सकते हैं, तो डिवीजन का मल्टी करके ये राइट साइड में नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई फोर बाय वन। ठीक है अब कटिंग करेंगे फोर टू जा एट, तो आंसर आया हमारा वन अपॉन टू, सिंप्लीफाई आंसर आया वन बाय टू। फिर से समझ लेते हैं हम, टू रेस टू माइनस वन मल्टीप्लाई फोर रेस टू माइनस वन ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय टू रेस टू माइनस टू, सबकी पावर यहाँ पर माइनस में है नेगेटिव में है, तो वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे वन अपॉन टू मल्टीप्लाई वन बाय फोर डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू स्क्वायर। ओके अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो वन अपॉन टू फोर जा एट डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू रेस टू स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर फोर वन बाय फोर। अब हम डिवीजन में कटिंग नहीं कर सकते, तो वो रूल भी पता है कि डिवीजन का मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, तो वन अपॉन एट मल्टीप्लाई फोर अपॉन वन। अब हम कटिंग करेंगे वन वन, तो कट करे ना करे उससे कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, फोर टू जा एट, तो आंसर आता है हमारा वन अपॉन टू। अब थर्ड नंबर करेंगे। ओके वन अपॉन टू
रेस टू माइनस टू डिवाइडेड बाय वन अपॉन थ्री रेस टू माइनस टू डिवाइडेड बाय वन बाय फोर रेस टू माइनस टू। यहाँ पहले सबका ये जो सभी की पावर है वो नेगेटिव में दी है, ओके। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि ये नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। तो अगर ये फ्रैक्शन है तो इसको हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो क्या होगा इसका, टू बाय वन रेस टू टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय वन रेस टू टू डिवाइडेड बाय फोर बाय वन रेस टू टू। अब अपॉन वन का कुछ मतलब नहीं है, तो अब इसके बाद वाले स्टेप में हम ये अपॉन वन निकाल कर सिंपल लिखेंगे, टू स्क्वायर डिवाइडेड थ्री स्क्वायर डिवाइडेड फोर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर जो डिवीजन है तो किस तरह से हम करेंगे, टू रेस टू स्क्वायर। अब ये डिवीजन जब मैं मल्टी करूँ तो क्या होगा, मल्टीप्लाई वन अपॉन थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन फोर स्क्वायर, ओके। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो गया। अब सिंप्लीफाई करेंगे, टू का स्क्वायर फोर मल्टीप्लाई वन रेस टू नाइन मल्टीप्लाई वन अपॉन सिक्सटीन, ओके। अब क्या करना है हमें, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 36। सेकंड नंबर है हमारा एक्सरसाइज थ्री का, थर्ड नंबर है। देखो फिर से हम ये पूरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। वन बाई टू रेस टू माइनस टू डिवाइडेड बाय सॉरी यार डिवीजन नहीं प्लस का सिंबल है, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने सिंबल रॉन्ग लिख दिया था, ठीक है। यहाँ पर बीच में प्लस का सिंबल दिया है, ओके। हमने डिवीजन का लिखा इसलिए आंसर नहीं आ रहा, ओके। तो फिर से देख लेते हैं, वन अपॉन टू रेस टू माइनस टू प्लस वन बाय थ्री रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन फोर रेस टू माइनस टू। यहाँ पर तीनों तीनों की पावर कैसे दी हुई है हमें, नेगेटिव फॉर्म में दी हुई है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसको हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो वन अपॉन टू का रेसिप्रोकल क्या होता है, टू अपॉन वन। नीचे वन लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये आपको डीपली एक्सप्लेन करने के लिए नीचे वन लिखकर दिखा रही हूँ। वन अपॉन थ्री का रेसिप्रोकल थ्री अपॉन वन एंड वन अपॉन फोर का रेसिप्रोकल फोर अपॉन वन। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, टू रेस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ओके। अब टू का स्क्वायर मतलब टू टू जा फोर प्लस थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन प्लस फोर का स्क्वायर फोर फोर जा सिक्सटीन। अब हम ये सबका प्लस कर देंगे, ओके। सिक्सटीन प्लस फोर ट्वेंटी एंड ट्वेंटी प्लस नाइन और आंसर इज 29, ओके। कितना इजी और इंटरेस्टिंग सम है। सिंबल खास याद रखने के, अगर लिखने में निशानी मिस्टेक हो गई, जैसे अभी मेरी हो गई थी कि मैंने यहाँ प्लस के बजाय डिवीजन लिख लिया था तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। तो वन बाय टू रेस टू माइनस टू प्लस वन बाय थ्री रेस टू माइनस टू प्लस वन बाय फोर रेस टू माइनस टू। तो हमें ये माइनस रिमूव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर दिया, तो टू रेस टू टू प्लस थ्री रेस टू टू प्लस फोर रेस टू टू। फिर उसका सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आता है 29, ओके। अब एक्सरसाइज अभी इसका फोर्थ नंबर करेंगे हम, फोर्थ नंबर एक्सरसाइज थ्री का फोर्थ नंबर। कुछ भी मेथड करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी मेथड लॉन्ग लॉन्ग होगी।
लास्ट आपका आंसर क्या आएगा, ये पूरा जो दिया है उसकी पावर क्या है, जीरो, किसी की भी जीरो पावर मतलब आंसर वन, नो नीड टू डू एनी मेथड, ओके, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, या इस तरह से अगर शॉर्ट मेथड कर दे तो ये जीरो को तीनों तीन से मल्टीप्लाई कर दे। ओके, तो 3:0 + 4:0, नहीं इस तरह से भी हम नहीं कर पा रहे तो 3 आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो डायरेक्टली आप इसके लिए 1 लिख देते हैं, किसी भी पावर एक्सपेरिमेंट की अगर जीरो पावर होती है किसी की भी तो आंसर आता है 1, तो इसका आंसर है 1, कुछ मैटर नहीं करनी है, ठीक है। अब नंबर 5, ये रूल मैंने जो करवाया कि जीरो पावर होता है तो आंसर आता है 1, वो पावर हमने यहाँ पर यूज किया, कर्ली ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट -2/3:2 -2 (2). ओके, तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टी कर देंगे, तो ये एक बिग ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, तो इस तरह से करेंगे -2/3:2 - 2 (2), तो क्या होगा -2/3:2 - 4। ओके, माइनस प्लस माइनस और दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2×2=4 -2:3:2 - 4। अब ये माइनस पावर रिमूव करनी है तो अंदर वाले नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, और ये माइनस की निशानी निकल जाएगी, क्यों निकल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पावर इवन नंबर में है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2:4, और माइनस भी यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ पर पावर इवन है, और ये पावर के आगे जो नेगेटिव थी उसको रिमूव करने के लिए हमने ये जो फ्रैक्शन है उसका रिवर्स ले लिया, इनवर्स फ्रैक्शन ले लिया। अब 3:4/2:4, तो क्या आंसर आया, 3×3=27, 3×81, 2×4=8, 2×16 आंसर आता है 81/16, करेक्ट आंसर है। फिर से समझ लेते हैं, यहाँ हमें दो ब्रैकेट दिए हैं, एक कर्ली ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट, और एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर, तो ये दोनों पावर का होता है मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे और एक कर्ली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा, तो -2/3:2 - -2 (2). ओके, तो -2/3:2 (2×4), और आगे माइनस, तो -4। ओके, अब ये माइनस को रिमूव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे और ये माइनस की साइन भी निकल जाएगी क्योंकि यहाँ पर पावर हमें इवन नंबर में दी है, और अगर ऑड नंबर में होती तो हमारा आंसर माइनस में आता, पर यहाँ पर पावर हमें इवन नंबर 4 दी है तो ये माइनस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, तो 3/2:4। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3×4/2 (4). अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3:4 में 3×3×3×3 और 2×4 इस तरह से करेंगे तो आंसर आता है 81/16। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ, अब हम क्वेश्चन 4 स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे। -1 (8:−1)/5:3/2:-4। अब यहाँ जो माइनस पावर है उसको हमें रिमूव करनी है, ठीक है, तो रिमूव करने
अगर ये न्यूमरेटर में है तो इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, और ये डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसको हम न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो इस तरह से होगा 2^4 × 5^3 / 8^1। ओके, सारी वर्क पॉजिटिव फॉर्म में हो गई। ओके, ये माइनस को रिमूव करने के लिए इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, और यहाँ 2^-4 माइनस साइन को रिमूव करने के लिए हमने उसको न्यूमरेटर में भेज दिया। ओके, अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे। 2^4 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 × 8 × 1 = 8 × 1 अब कटिंग करेंगे, 2 × 4 = 2 × 2 × 2 कट। अब क्या रहा, 2 × 5 = 10 10 × 5 = 50 50 × 5 = 250। सिंप्लीफाई किया, आंसर आया हमारा 250, करेक्ट आंसर। देखो फिर से समझा दूं, यहाँ हमें जो माइनस है नेगेटिव पावर है उसको प्लस करना है, तो नेगेटिव पावर को प्लस करने के लिए हम उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, और डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में भेज दिया। तो सेकंड स्टेप में हमारे सारे पावर पॉजिटिव इंटीजर में हो जाएंगे, सारे नेगेटिव साइन निकल गए। ओके, अब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2^4 × 2 × 2 × 2 × 2 5^3 × 5 × 5 × 5 / 8 × 1 = 8 × 1। अब हमने कटिंग की, 2 × 4 = 8 2 × 2 = 4 2 2 कट। अब न्यूमरेटर में क्या रहा, 2 × 5 = 10 10 × 5 = 50 50 × 5 = 250। तो हमारे यहाँ इवेल्युएट आंसर आता है 250। ओके, अब हम आए एक्सरसाइज नंबर टू में। ये नंबर वन था, नंबर टू लिखेंगे हम। −5 × −1 × 2 − 1 × −6 − 1 तीनों की पावर यहाँ पर कैसी दी गई है हमें, नेगेटिव फॉर्म में दी गई है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा होगा कि पावर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना। अभी हमने जितने भी सम्स किए सब में हमने फर्स्ट स्टेप वही किया था कि पावर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हम उसको 1/1 लिखेंगे, 1/5 × 1 × 1/2 × 1 × 1/6 × 1। ओके, अब किसी की भी 1 पावर मतलब वही का वही नंबर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 × 1/2 × 1/6। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, 1, और डिनोमिनेटर में 5 × 2 × 6 1/5 × 10 10 × 6 = 60। आंसर आता है हमारा 1/60। ठीक है, देखो फिर से ये समझा दूं, 5 × −1 × 2 − 1 × 6 − 1। यहाँ हमें तीनों के नंबर की पावर माइनस में दी गई है, तो ये माइनस की साइन रिमूव करने के लिए हमें उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा 1/1 करके। तो 1/5 × 1 × 1/2 × 1 × 1/6 × 1। अब किसी की भी 1 पावर मतलब वही का वही नंबर 1 टाइम, मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो 1/5 × 1/2 × 1/6। अब हम इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिख देंगे, 1 × 1 × 1 / 5 × 2 × 6। ऊपर नीचे कुछ कटिंग नहीं रहे, और एक आंसर आता है हमारा 1/60। ओके,
तो हमारा यहाँ एक्सरसाइज 4 का सेकंड नंबर का सम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पीरियड में हम 5 नंबर से सम्स आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।